हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ हमारी हो रही है एक्सरसाइज। तो गाइस, ये हमारी मॉर्निंग की एक्सरसाइज है। तो आप लोग सोचते होंगे कि हम क्या रोज़ एक्सरसाइज शेयर करते हैं। तो गाइस, ये इसलिए शेयर करते हैं कि गाइस, हम गृहस्थी में रहते हुए भी देखिए जो हमारा डेली रूटीन है, जो भी हम वर्क करते हैं, वो हम आपसे शेयर करते हैं ताकि आप लोग भी मोटिवेट हो सके कि अगर हम कर सकते हैं फैमिली में रहते हुए तो आप लोग भी ज़रूर कर सकते हैं। तो डेली वर्कआउट कीजिए, डेली एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप वेट लूज जर्नी पर हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और गाइस, उसके बाद हम आ गए हैं अपना नींबू शहद जो हम पीते हैं वो पीने के लिए। तो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हैं हम अलग रूप में। तो देखिए गाइस, आज हमने पहनी है साड़ी। तो गाइस, ऐसे ही आज मन था, मैंने कहा चलो आज साड़ी पहन के व्लॉग बनाते हैं। बहुत टाइम से साड़ी नहीं पहनी थी, मतलब मुझे 2 साल बाद आज मैं साड़ी पहनी हूँ। और बहुत मतलब, और ये साड़ी फर्स्ट टाइम ही पहनी है, मतलब लेके तो रख ली थी पर पहन ही नहीं पाए थे। और क्यों नहीं पहन पाई थी, क्या परेशानी आती थी, क्या दिक्कतें आती थी, तो ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगी। तो मैंने कहा चलो आज पहन लेते हैं, और मैंने कहा कुछ थोड़ा नया होना चाहिए। मैंने कहा साड़ी पहन के देखते हैं कि कैसी लगती है। तो गाइस, आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है। और कलर तो बहुत अच्छा है साड़ी का, तो मैं आपको फुल दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है साड़ी। तो देखिए गाइस, अब हम आ गए हैं किचन में, और यहाँ पे हम फ्रूट्स कट करने वाले हैं। और उससे पहले फ्रूट्स को अच्छे से धो लेंगे। तो गाइस, फ्रूट्स धोने के बाद हम यहाँ अपना कर रहे हैं गर्म पानी। और ये थोड़ी सी सब्ज़ी मंगाई थी हस्बैंड जी से, तो वही मैं निकाल रही हूँ। और उसके बाद हम आ गए थे अपना पानी पीने के लिए बैठ कर, घुन घुट करके। तो यहाँ हम बैठ के पानी पी लेंगे। और उसके बाद हम आ गए हैं किचन में फ्रूट्स कट करने के लिए। तो देखिए गाइस, ये हमारे कट हो रहे हैं फ्रूट्स। और ये देखिए गाइस, हमारे फ्रूट्स कट हो चुके हैं, और ज़्यादा फ्रूट्स नहीं है गाइस आज। तो आज एक एप्पल और एक अंगूर ही लिए हैं। तो यहाँ हम अंदर आ गए हैं बैठ के खाने के लिए, और यहाँ हस्बैंड जी देख रहे हैं टीवी। तो गाइस, क्या करें, मजबूरी में हमें भी देखना पड़ता है, एक ही कमरा है इसलिए। और उसके बाद हम आ गए किचन में, और यहाँ हमारे बन रहे छोले। तो गाइस, आज हमने बनाए हैं छोले की सब्ज़ी। तो देखिए गाइस, हमारे यम्मी से छोले तैयार हो गए हैं। और ज़्यादा मिर्च मसाले मैं वैसे भी यूज़ नहीं करती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे पानी पीने के लिए। तो गाइस, थोड़ी सी प्यास लग रही थी, तो मैंने कहा चलो बैठ के, और ये नॉर्मल पानी ही पी रही हूँ मैं, कोई गर्म पानी नहीं पी रही। और पानी वगैरह पीने के बाद मैं फिर से आ गई छोलों को चेक करने के लिए। और यहाँ पर देखिए, हमारे छोले बन गए हैं, और उसमें डाल दिया हरा धनिया। तो गाइस, उसके बाद ये कपड़े मैंने वॉश किए थे, तो यहाँ पर थोड़े से सुखा दिए थे, तो यही कपड़े में उतार रही थी। और जो बाबू हमारा फैलारा फैलाता है, वो सारा समेटना पड़ता है गाइस, क्या करें, हम इतना सामान संभाल के रखते हैं, वो फैलाता रहता है। तो यहाँ पे मैं बेड ठीक कर दूँगी, तो पता नहीं कितनी बार मेरी सफाई होती है पूरे दिन में, मुझे खुद पता नहीं लगता। तो ऐसे ही होता है गाइस, क्या करें, छोटे बच्चे के साथ थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, हमारा बाबू बड़ा शैतान है। तो गाइस, यहाँ पर मैं लगा लूँगी झाड़ू फटाफट से। और ये देखिए, हस्बैंड जी ने बाबू को नहला दिया था आज, तो मैंने कहा चलो लाओ मैं इसको कपड़े पहना देती हूँ। तो यहाँ देखिए, हमारे बाबू की यहाँ पे भी शैतानियाँ चल रही हैं, तो यहाँ मैं बाबू को पहना दूँगी कपड़े। और ये देखिए इसकी शैतानियाँ, तो गाइस अब हम आ गए रसोई में, क्योंकि खाना हमारा बन गया था। तो यहाँ मैंने कहा चलो खाना लगा देती हूँ। तो देखिए गाइस, हमारा आज का लंच रेडी है। तो ये हमारे यम्मी से छोले हैं, और लिए हैं थोड़े से चावल, और साथ में लिए भरपूर सैलेड। तो यहाँ हम अंदर आ गए हैं, और हस्बैंड जी को भी खाना लगा दिया था, और बाबू को भी मैंने रेडी कर दिया। तो यहाँ पे मैं अपना खाना खाने से पहले खाऊंगी सैलेड, और उसके बाद मैं खाऊंगी अपने राइस आराम से 32 बार के फॉर्मूले के साथ। तो गाइस, खाना पीना हो गया था, उसके बाद हम आ गए थे वॉक करने के लिए। और तुरंत नहीं आना है, खाना खाने के 10-15 मिनट बाद ही आपको वॉक करनी है। तो गाइस, अब हो चुकी है शाम, और शाम के बज रहे हैं 5। तो गाइस, और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, तो अब शाम ही हो गई है। तो गाइस, अभी कपड़े उतारने जाना है ऊपर छत पे, क्योंकि मॉर्निंग में कपड़े डाले थे सुखाने के लिए, तो उतार लाती हूँ। तो गाइस, देखिए साड़ी पहन के ना कुछ अलग सी फीलिंग हो रही है आज तो। पर यह है कि काम ना जो थोड़ा जल्दी होता था ना, वो बहुत धीरे धीरे हो रहा है, तो आदत ही है ना साड़ी पहनने की। तो गाइस, मैं साड़ी क्यों नहीं कि पहन पाती थी ये मैं आपको बताती हूँ। तो एक तो इस वजह से नहीं पहन पाती थी कि मेरा बेबी छोटा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती था। और दूसरी बात ये थी कि जब ये मैंने सिलवाया था ना, तब तो मैं पतली थी, पर बीच में मैं हो गई थी मोटी बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया अक्टूबर नवंबर में बहुत ज़्यादा मैं मोटी हो गई थी, तो ये मुझे आता ही नहीं था।
पर अब जब से मैं डाइटिंग वगैरह करने लगी हूँ तो ये मुझे फिट, बिल्कुल फिट आ रहा है और बिल्कुल बढ़िया आ रहा है। मतलब जैसे मेरी मैं पहले थी 2 साल पहले, वैसे ही मैं अब हो चुकी हूँ और ये बिल्कुल फिट आ रहा है। तो मैंने कहा चलो अब जब फिट आ रही हैं चीज़ें तो क्यों ना पहन ली जाए। तो गाइज ये बिल्कुल मतलब यहाँ पे टाइट हो जाता था और ये बाजू वगैरह सब बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती थी, पर अब ये बिल्कुल मेरे को ठीक आ रही है। फेस पे ग्लो, तो ये फेस पे ग्लो एक चीज़ से और आता है, हम जो चुकंदर खाते हैं ना उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। तो जो लोग चुकंदर नहीं खाते हैं ना तो वो खाइए, उनको दिखेगा ग्लो अपने फेस पे ऑटोमेटिक, तो एक करके देखिए। और शहद वगैरह जो हम पीते हैं उससे भी फेस पे ग्लो आता है, और हल्दी वगैरह हम खाते हैं ना उस पर भी फेस पे ग्लो आता है। तो जो भी मैं करती हूँ ना चीज़ें आप वो करिए, तो आपके फेस पे भी ग्लो आएगा, आप भी पतले होंगे। तो देखो गाइस मैं तो पूरा घर का काम करके बच्चे को संभाल के तब भी अपना वेट लूज जर्नी पर लगी पड़ी हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो गाइस। जब आपको टाइम मिले, जैसे जैसे टाइम मिले वैसे वैसे करो, बस ये कि थोड़ा खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखो और एक्सरसाइज का थोड़ा सा ध्यान रखो, बाकी जैसे आपको सूटेबल होता है वैसे करो। तो देखिए गाइज अब हम आ गए छत पर और ये हमारे प्यारे प्यारे से प्लांट्स, और गाइज हम ऊपर आ गए हैं छत पर कपड़े उतारने के लिए। और गाइज यहाँ पे बहुत ज़ोरों से हवा चल रही थी, हवा को भी पता लग गया कि वेट लूज जर्नी पर है तो इसको भी उड़ा सकते हैं, पर गाइज ऐसा नहीं हुआ, हम वहाँ डटे रहे। गाइज नीचे आने के बाद हस्बैंड जी को लगी थी छोटी सी भूख शाम के टाइम, तो यहाँ मैं उनको खाना दे रही हूँ लगा के, तो वही छोले चावल है वही दे दूँगी। और खाना देने के बाद उनको मैं आ गई थी यहाँ बर्तन साफ़ करने के लिए, तो मेरे दिन के बर्तन होते हैं वो मैं इवनिंग में ही साफ़ कर लेती हूँ, इकट्ठे ही साफ़ करती हूँ। और उसके बाद देखिए गाइज मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा टाइम मिल गया है तो अपनी शाम की जो एक्सरसाइज है वो कर लेते हैं। तो गाइज ऐसा कुछ नहीं है, मैं रेगुलर करती हूँ, तो जब जब मुझे टाइम इवनिंग में मिल जाता है तो मैं कर लेती हूँ, पर ये है कि मॉर्निंग की तो होनी ही होनी है एक्सरसाइज, बट ये इवनिंग में जब भी टाइम मिल जाता है तो कोशिश करती हूँ कि कर लूँ। तो गाइज देखिए आज साढ़े में भी हमने एक्सरसाइज कर ली बड़े आराम से, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और उसके बाद हम चले गए थे गाइज बाहर, हमें किसी काम से बाहर जाना था। तो देखिए गाइज हम यहाँ आ गए पार्लर में क्योंकि हमें आईब्रो बनवानी थी, तो यहाँ हमें कहीं जाना भी था तो हम यहाँ आ गए हैं। तो देखिए गाइज यहाँ यहीं हम आते हैं, वैसे ज़्यादातर आपने देखा होगा अगर हमारी वीडियो में तो यहीं हम आते हैं क्योंकि ये मेरे घर के पास ही है, मतलब जो मेरा मायका है। तो शादी से पहले भी मैं यहीं से बनवाती थी तो वही आदत है मुझे, तो मैं यहीं पे आती हूँ। तो थोड़ा सा दूर है पर कहते हैं ना चीज़ जहाँ की अच्छी लगती है तो मन वहीं पर लगता है किसी भी चीज़ को अगर हम करते हैं। तो गाइज मुझे यहीं से अच्छा लगता है तो मैं यहीं पर आती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरी आईब्रो वगैरह बन गई है और मैं देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ। तो देखिए गाइस हमारी आईब्रो बहुत अच्छी सी बनी है, आप लोग भी बताइएगा कैसे लग रहे हैं हम, ब्यूटीफुल से लग रहे हैं कि नहीं। ये है हमारी दीदी। तो गाइस देखिए उसके बाद हम आ गए थे एक शॉप पे क्योंकि यहाँ पे हमें लेने थी बाबू की स्लीपर, और हस्बैंड जी अपने शूज़ देख रहे हैं अपने लिए, तो यहाँ हस्बैंड जी भी अपने लिए शूज़ ले लेंगे। और यहाँ देखिए तो मस्ती, हम आ गए मार्केट से, तो आज मार्केट गए थे गाइस, तो थोड़ा सा सामान वगैरह कुछ लेना था तो मार्केट गए थे और मार्केट से आ गए हैं, और आते ही लग गए काम पर, इसलिए कुछ ब्लॉग वगैरह भी शूट नहीं किया। तो खाना हमारा बन चुका है और सब्जी बनाई है और रोटी बनाई है और बाकी दिन के छोले रखे थे वही है, तो बस हमारा डिनर रेडी हो चुका है। और गाइस कमरे में लग गई है लाइट, तो ये लाइट लगवाई है मैंने क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता था जब मैं एक्सरसाइज करती थी, तो यूट्यूब के लिए ये सब करना पड़ रहा है, तो यहाँ ऊपर लाइट नहीं थी तो यहाँ जुगाड़ से लाइट लगवाई है, तो अब बहुत ज़्यादा रोशनी हुई है तो आराम से वीडियो की ना रोशनी रहेगी। तो गाइस ये चीज़ बहुत अच्छी हो गई। और अब 8 ही बज गए हैं क्योंकि मार्केट चले गए थे तो वहाँ से आते आते लेट हो गए। तो देखिए गाइस आज का हमारा डिनर है सब्जी, बैंगन आलू की सब्जी बनाई थी, 2 रोटी और साथ में लिए दिन के छोले। तो चलिए गाइस आज वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और यह साड़ी वाला व्लॉग आपको कैसा लगा, अगर आप मेरी साड़ी वाले व्लॉग देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं बीच बीच में लाती रहूँगी, रोज़ तो नहीं पहन सकती क्योंकि बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, साड़ी में आदत नहीं है ना मुझे, पर यह है कि बीच बीच में लाती रहूँगी। तो अगर जिसका भी मेरे साड़ी व्लॉग अच्छे लगे वो ज़रूर मुझे बताना। तो चलिए गाइस इसी के साथ हम करते हैं वीडियो का एंड, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।